मुझे बाप नहीं चाहिए, वो हमेशा मारता है, मैं बाप के साथ नहीं रह सकती। माँ की मौत का सदमा, बाप और सौतेली माँ की अजियतों से दिल बर्दाश्त था। 12 साल लड़की ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बिलक बिलक कर रोते हुए पुलिस को अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुनाई। लड़की की दास्तान सुनकर पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल की इतला पर DCPO ने लड़की को सुखी सेंटर मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल के गोलापली मंडल से ताल्लुक रखने वाली लड़की को 5 दिन कबल घर से निकाले जाने पर वेमलवाड़ा में शिनाख्त करते हुए लड़की को सिलसिला सुखी सेंटर मुंतकिल करने के DCP ऑफिसर ने वालिद के हवाले किया था। लड़की ने वालिद की जानिब से मारपीट को बर्दाश्त न करते हुए आज जगतियाल पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जगतियाल पुलिस ने DCP अमले के जरिए इसे सुखी सेंटर मुंतकिल किए। 5 यौम खब जगतियाल हॉस्पिटल से इंटरमीडिएट की तालिबा ने माँ की मोहब्बत में हॉस्टल से फरार होकर घर पहुंची तो माँ की मौत का सदमा, बाप और सौतेली माँ की अजियत से घर छोड़कर फरार हो गई। जगतियाल महकमे पंचायत राज सब डिवीजन JTU मोहम्मद शुएबुल हक तालिब साबिक अमीर जमात इस्लामी जगतियाल और रियासती सदर उर्दू अदब बहसियत JTU अपनी खिदमात से गुज़िश्ता रोज वजीफ़े हुस्न पर सबकदोश होने पर AR गार्डन जगतियाल में एक विदाई और तहनियती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर महकमे के अलावा दीगर सियासी समाजी मजहबी कायदीन दोस्तों अहबाब ने शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए कसरत से तहनियत पेश की। शुएबुल हक तालिब ने 30 साल से एक ही सब डिवीजन में अपनी खिदमात अंजाम दी। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन ने खिताब करते हुए उनकी खिदमात की सताइश की। फर्ज शनास ऑफिसर की हैसियत से बिला मज़ो मिलत तफरीक की अपनी खिदमात बखूबी अंजाम देकर सबकदोशी पर मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर पंचायत राज इंजीनियर अब्दुलरहमान, पंचायत राज DE मलंद मोहम्मद नसीम अहमद, इंजीनियर मोहम्मद मिसबाउल हक अदीब सईदुद्दीन मौजूफ लेक्चरर दीगर ने मुबारकबादी पेश की। आदिलाबाद जिले गोडीबी तनूर मंडल मेकला गुंडी के पास कल शब पेशा एक भयानक सड़क हादसे में एक खानदान के 5 अफराद बशमूल 3 मासूम बच्चे जाँ बाँ होकर हो गए। दीगर 3 अफराद को बगर्ज इलाज आदिलाबाद के रिम्स सरकारी अस्पताल में शरीक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जामे मस्जिद कमेटी सदर अब्दुल मोइजुद्दीन अपने अफराद खानदान के साथ निर्मल के भैंसा के दीनी मदरसे में जहां उनका नवासा 29 पारे की हिफ्ज करने के बाद इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया था, जिसमें शिरकत के बाद वो आदिलाबाद वापस हो रहे थे कि कौमी शाहराह 44 मेकला गंडी के पास गाड़ी तवाजन खो जाने के डिवाइडर से टकरा गई और हादसा इतना खतरनाक था कि इनकी सवारी के परखचे उड़ गए। बरसरे मौका जाम मस्जिद इंतजामी कमेटी सदर MA मोइनुद्दीन उम्र 65 साल, उनके दामाद ख्वाजा मोइनुद्दीन उम्र 40 साल, मोहम्मद उस्मान 11 साल, मोहम्मद अली 5 साल, फरीदुद्दीन 13 साल जाँबा हो गए, जबकि MA मोइनुद्दीन की दख्तर आफरीन ने 35 साल, नवासी इकरा आफरीन उम्र 4 साल दवाखाने में इलाज में है। जाम मस्जिद इंतजामी कमेटी आदिलाबाद ईदगाह कब्रस्तान कमेटी सदर हादसे के शिकार होने के तिल्ला मिलने पर आदिलाबाद के अलावा दीगर मकामात पर बर्फ अफ्तारी के साथ खबर फैल गई, जिनकी नमाज जनाजा MA मोइनुद्दीन के फर्जंद MA असलम ने मैदान ईदगाह में पढ़ाई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मोइनुद्दीन अपनी खुश मिजाजी मिलनसारी की बुनियाद पर एक में मशहूर थे और ज़ायदा 20 सालों से आदिलाबाद जाम मस्जिद इंतजामी कमेटी की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहे थे। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन HPTC एन रेखा सत्यनारायण को BJP आला हुकाम की जानिब से BJP स्टेट महिला मोर्चा एग्जीक्यूटिव रुकन की हैसियत से नामजद किए जाने पर एन रेखा सत्यनारायण ने स्टेट मोहल्ला मोर्चा सदर डॉक्टर शिल्पा रेड्डी और मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव के अलावा BJP पार्टी हाईकमान से इजहार तशक्कुर किया। गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने कस्बे में तामीर होने वाले सरकारी नर्सिंग कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों से जेरे तामीर कामों की तफसीलात और उनके पेशरफ्त के बारे में पूछा। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने नामुकम्मल कामों को जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। खासतौर पर कॉलेज की सहूलियात के मुताबिक G+1 की तामीर का काम मुकम्मल करें और तलबा को जल्द अज जल्द क्लासरूम्स लैपटॉप वगैरह जैसी ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। कलेक्टर ने प्रोजेक्ट के नक्शे के जरिए प्रोजेक्ट की तफसीलात का जायजा लिया। लड़ी के मंडल ताड़वाई में संगोजीवाड़ी गवर्नमेंट स्कूल टीचर मोहम्मद जमील अहमद को आज नेशनल वॉलंटियर्स ब्लड डोनेशन डे के मौके पर बेहतरीन खून के अतिया दहिंदा के तौर पर तस्लीम करते हुए GGH मेडिकल
सुप्रिंटेंडेंट एंड प्रोफेसर डॉक्टर राम सिंह मेडिकल कॉलेज वाइस प्रिंसिपल को प्रोफेसर डॉक्टर बंसीलाल एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहतरमा फरीदा ने अवार्ड से नवाजा और मुदरिस मोहम्मद जमील अहमद की समाजी इंसानी खिदमात की सताइश की। वाज़ेह है कि जमील अहमद ने बिला लिहाज मजहब थैलेसीमिया मर्ज़ के मासूम बच्चों के लिए अब तक 26 मरतबा खून का दिया देते हुए बेहतरीन इंसानी जज्बे की मिसाल कायम की है। ज़िले मंसियाल के चिनूर में रेजिंग सन खानगी स्कूल के तलबा को इलेक्शन मैनेजमेंट से आगाह किया गया है कि करस्पॉन्डेंट ख्वाजा खमरुद्दीन की निगरानी में वोट की अहमियत के ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया और तमाम स्कूल के तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। असातिज़ा की जानिब से बच्चों से वोटिंग करवाई गई। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल रवि किरण जवेरिया सुल्ताना राजेश दीगर असातिज़ा ने हिस्सा लिया। वोट के मुताबिक शऊर बेदार करने की नीयत से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने टीचर्स को हिदायत। ज़िले कलेक्टर वेंकटेश का हॉस्टल का दौरा शब्बसी के मौके पर मुकामी मीडिया को बयान। ज़िले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन एसटी आश्रम बॉयज़ हॉस्टल का डीसी कलेक्टर वेंकटेश आईएस ने अपने हमरा सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला मुकामी तहसीलदार निवास एमपीजीओ सत्यनारायण के अलावा एसटी आश्रम स्कूल हेडमास्टर रविंद्र और सरकारी स्टाफ के साथ मिलकर चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के मुताबिक हॉस्टल का दौरा करते हॉस्टल में दी जाने वाली बच्चों को तालीम से मुतालिक जानकारी हासिल की। स्टाफ की कारकर्दगी सफाई से मुतालिक भी जानकारी हासिल की। खेलों का मैदान पीने के पानी के इंतजाम के अलावा बच्चों को दी जाने वाली सरकारी सहूलत से मुतालिक तफसीली जानकारी हासिल की। कलेक्टर वेंकटेश आईएस ने कहा हॉस्टल में ज़ेर तालीम बच्चों को हर हालत में तालीमी काबिलियत में इजाफा करने टीचर्स को हिदायत दी। एलआरडी मंडल के इलाके अड़वी लिंगाल ग्राम पंचायत में आज एमपीओ प्रकाश राज ने दौरा करते हुए स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम का मुआयना किया और सफाई के कामों से मुतालिक जानकारी हासिल की। इलाके के मुख्तलिफ मुकामात को पैदल गश्त करके मुआयना किया। आवाम को मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। मंडल लिंगमपेट कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद मोहम्मद फतेहुद्दीन ने मंडल गंधारी के साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन सत्यम राव के रुकने असम्बली पर लगाए गए इल्जाम की मजम्मत की और कहा रुकन असम्बली के खिलाफ आवाम के लिए अदम दस्याबी के बयान झूठ का पलंदा है और कहा बीआरएस खैर सत्यम राव कांग्रेस की कामयाब कुरानी से बुखलाहट का शिकार हो गए। फौरी अपने रवैये को बदलने का मशवरा दिया वरना संगीन नतज का भी इंतबाह दिया। हनमकुंडा ज़िले कांग्रेस पार्टी के सदर और वरंगल मगरब हल्के के खानून साज नैनी राजेंद्र रेड्डी ने हनमकुंडा ज़िले कांग्रेस पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा 10 सालों में ख्वाब में देखी तारीख आपकी है। 10 महीनों में गिरने वाली लहर की तरह तरक्की की तरह मेरी है। मेरी सियासी ज़िंदगी एक खुली किताब है। वरंगल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने 500 से जायद तलबा में मुफ्त में यूनिफार्म तकसीम की। तकरीब अनवारुल्लूम छुटी मस्जिद सूबेदारी मुनक़िद हुई। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अब्दुल कलीम ने बताया कि इस काविश का मकसद तलबा की तालीमी सहूलियात में इजाफा उनकी खुद एतमादी को बढ़ाना है। मदरसे के मुंतज़िम मौलाना ख्वाजा सईद ने इस इकदाम को तलबा की हौसला अफजाई का जरिया करार दिया। तकरीर के दौरान बच्चों की खुशी दे दी थी। इस मौके पर सोसाइटी के दीगर अहराकिन जैसे कि मोहम्मद सिराज अहमद मोहम्मद इफ्तिखार अनवार शरीफ सैयद मजीद मोहम्मद उमर और मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। वजीर एक्साइज वजीरे के इंचार्ज वजीर जोपली कृष्णा राव ने निज़ामाबाद में गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर अरकान असम्बली सुदर्शन रेड्डी भूपत रेड्डी राकेश रेड्डी सदनशी उर्दू अकेडमी ताहिबिन हमदान जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु दीगर आला उद्दान के हमदा ज़िले की तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जोपली कृष्णा राव ने कहा कि तालीम व तिब्बी शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। बीदर ज़िले पुलिस ने गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान ज़िले के 8 थानों में चोरी की वारदातों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 43,87,000 रुपये के असासों को जब्त कर लिया। 25 अफराद को अदालती तहवील में भेज दिया गया है जिनमें ओरदा पुलिस स्टेशन से 19 बाइक भी शामिल है। इनमें से ज़्यादातर बाइक्स हीरो स्प्लेंडर कंपनी की हैं। 35 लाख रुपये मालियत की जुमला 69 बाइक को जब्त किया गया। म्यूनसिपल कमीशन निज़ामबाद कॉरपोरेशन मुकरंदा ने खला तालाब का मुआयना किया और म्यूनसिपल इंजीनियर्स के हमरा पहुंचकर तफसीली जायजा लिया और तरक्याती कामों का औरदान से बातचीत करते हुए बतकम्मा त्यौहार के मौके पर घाट पर किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया।
निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसल कविता की तबीयत नासाज हो जाने पर उन्हें खानगी अस्पताल में शहीद कर दिया गया है। वाजरे के दिल्ली शराब मामले में कविता को गिरफ्तार करते हुए जेल में भी रखा गया था, इस वक्त भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। जमानत के बाद से घर में ही कविता क्याम कर रही थी और अब कुछ मसाइल से दो चार होने पर उन्हें खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया गया है।